नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। दोस्तों, जब भी सर्दियां आती हैं, विंटर का सीजन शुरू होता है, लोगों को डैंड्रफ की दिक्कत होना एक बहुत ही कॉमन समस्या हो जाती है। बहुत सारे लोगों को साथ ही साथ में हेयर फॉल, बालों का झड़ना भी एक कॉमन समस्या हो जाती है। तो हम लोग जानेंगे कि ऐसे क्या कारण है जिसके वजह से सर्दियां आते ही हेयर फॉल या डैंड्रफ की समस्या बढ़ जाती है, और क्या कुछ हमें प्रिवेंशन करनी चाहिए, चीजों से बचना चाहिए जिससे हम हेयर फॉल या डैंड्रफ जैसी समस्या से बच पाए, और होम्योपैथी की कुछ सफल दवाएं उनकी भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, हेयर फॉल की मेन दिक्कत सर्दियों में या डैंड्रफ की मेन दिक्कत सर्दियों में होती है। आपको इसका ये समझना होगा कि जब बेसिकली आपकी रूट कमजोर होगी या बाल जहां पर लगे हुए होते हैं वो एरिया अगर कमजोर हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि हेयर फॉल और डैंड्रफ दोनों की समस्या होगी। विंटर जब भी आता है तो अपने साथ ड्राई कोल्ड विंड, जो हवाएं होती हैं, उनमें मॉइस्चर काफी कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आपके जो बाल है, रूट जो होती है दोस्तों, रूट वहां पर एक केमिकल सब्सटेंस निकलता है जिसे हम लोग सीबम बोलते हैं। ये यूजली हमारे बालों को शाइनिंग प्रोवाइड करता है और ड्राई होने से बचाता है। यही सीबम दोस्तों आप अपने कान में भी सिक्रीशन महसूस कर पाते हैं, जो लिक्विड जैसा ऑयली प्रोडक्ट निकलता है। तो ये नेचुरल होता है, जो कि हमारे बालों के बेस या जिसे हम लोग स्कैल्प कहते हैं वहां पर निकलता है। बट जब सर्दियां आती हैं तो ड्राई विंड क्या करती है, इस सीबम को जल्दी से सुखाने लगती है। जैसे ही वो सूखता है तो हमारे जो रूट होते हैं, जो स्कैल्प पूरा होता है, वो ड्राई होने लगता है, और ड्राई होने के कारण वहां पे फ्लेक फॉर्मेशन होते हैं, जो कि डैंड्रफ के रूप में आपको निकलता हुआ दिखता है। और जिनको डैंड्रफ की दिक्कत थोड़ी बहुत पहले से रहती है, उनको बहुत ज्यादा डैंड्रफ की दिक्कत होने लगती है। और इसी तरह ड्राई रूट होने की वजह से हेयर फॉल की भी समस्या, जिनको थोड़ी बहुत भी होती है, वो ज्यादा महसूस होने लगती है। और इसी में कई चीजें और एड ऑन हो जाती हैं, जैसे कि आप देखेंगे सर्दियां आते ही बहुत सारे लोग गर्म पानी से नहाने लगते हैं। तो जब जब आप गर्म चीज से तेल को धोएंगे या ऑयली प्रोडक्ट को धोएंगे तो बहुत आसानी से निकल जाता है। तो आप जब सर से नहाना शुरू करते हैं, गर्म पानी डालते हैं, तो जो आपका ऑयली सीबम होता है, जो कि नेचुरली होना चाहिए, वो और निकल जाता है। तो आपका जो हेयर रूट होता है वो और ड्राई, स्कैल्प और ड्राई हो जाता है। इसी तरह बहुत सारे लोग सर्दियों में कैप, बहुत सारे लोग तो गर्मियों में भी कैप पहनते हैं। सर्दियों में क्या होता है, ठंड लगने की वजह से लोग मफलर या कैप बहुत टाइट बांध लेते हैं। दोस्तों, बहुत टाइट जो आपकी हेयर कैप है या आपका मफलर है, उसको बहुत ज्यादा टाइट नहीं बांधना, ये फिर से एड ऑन करती है आपकी समस्या को। जिस तरह से हमारी स्किन को प्रॉपर एयर कंडीशनिंग हवा चाहिए, उसी तरह बालों की रूट को भी प्रॉपर हवा चाहिए, जिससे जो नेचुरल प्रोसेस है वो होता रहे। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइट नहीं बांधेंगे जिससे ब्लड सर्कुलेशन हिंड्रेंस हो। 10-15% भी अगर आप टाइट बांधते हैं और ब्लड सर्कुलेशन रुकता है थोड़ा सा भी, तो जाहिर सी बात है रूट्स में जो न्यूट्रिशन जा रहा है ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से, अपनी रक्त वाहिनियों के माध्यम से, वो कम हो जाएगा, और ये फिर से एड ऑन होंगी। जो चीजें आपकी बढ़ रही थी वो और बढ़ने लगेंगी, हेयर फॉल और डैंड्रफ जैसी समस्या और बढ़ने लगेगी। बहुत सारे लोग जेनेटिक्स, दोस्तों अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में मम्मी पापा के हेयर फॉल लॉस की हिस्ट्री है, तो आपका हेयर लॉस जल्दी होगा, या आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जेनेटिक्स को चेंज कर पाना मुश्किल है। हालांकि होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसे पेशेंट्स में भी काफ़ी मददगार होती है, कई साल डिले करवा सकते हैं अगर होम्योपैथिक मेडिसिन आप राइट टाइम पे लेना शुरू कर दें। बाकी बहुत सारे लोग सर्दियों में नहाते नहीं है, दोस्तों अगर आप ठंडियों में नहाते नहीं है, उसकी वजह से भी आपका डैंड्रफ और हेयर फॉल की समस्या बढ़ सकती है। जिस तरह से हमारे शरीर को प्रॉपर रूटीन केयर की जरूरत है, उसी तरह हमारे बालों को भी जरूरत है। तो रेगुलर बाथ बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए पानी का जो आप सर पे डालते हैं। तो रेगुलर बाथिंग और क्लीनिंग, हमारे बालों के शैम्पू भी रेगुलर टाइम टाइम पे होनी चाहिए। अगर मिनिमम पीरियड आप पूछते हैं तो हर थर्ड डे या चौथे दिन आपको बालों में शैम्पू करना चाहिए, जिससे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस भी ना आए और जो हमारा सीबम निकल रहा था नेचुरली जो पाया जाना चाहिए वो रहे। अच्छा, सिमिलर कंडीशन आपको बारिश के मौसम में मिल जाएगी, जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, अर्थात पानी जो होता है एटमोसफेयर में नेचुरली, जो ह्यूमिडिटी के नाम से जाना जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है बारिश की वजह से। तो अगर आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा पानी रहेगा, वो भी आपकी रूट को वीक बनाता है। इसीलिए बारिश के मौसम में भी बहुत सारे लोग आप हेयर फॉल की समस्या महसूस करते हैं। तो यहाँ पर कुछ बेसिक दवाओं की बात करेंगे। अगर आपको डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप जब खुजली कर रहे हैं, व्हाइटिश कलर का डैंड्रफ निकल रहा है, सफ़ेद रंग का कैल्केरिया सल्फ नाम की दवा आपको लेनी है। 3x पोटेंसी में 4 गोली सुबह दोपहर शाम टॉफी की तरह खा लें, या गर्म पानी में घोल के भी आप दिन में 3 बार इसे पी सकते हैं। अगर इसके अंदर थोड़ा सा येलोइश आपको नेचर दिख रहा है आपके डैंड्रफ का, तो कैली सल्फ नाम की दवा आती है,
ये भी टेबलेट फॉर्म में आएगी, 4 गोली सुबह दोपहर शाम आपको लेना है येलोइज डैंड्रफ के लिए। सफेद डैंड्रफ के लिए कैल्केरिया सल्फ आपको लेना है। दोस्तों बहुत एक्सटेंसिव मात्रा है, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आपको डैंड्रफ की दिक्कत हो रही है, जरा सी खुजली कर रहे हैं, पाउडर की तरह आपका अगर झड़ रहा है, तो आप मिजीरियम 6 पोटेंसी में, जी हाँ मिजीरियम नाम की दवा आती है उसकी कितनी पोटेंसी लेनी है, 6 पोटेंसी लीजिए, 2 से 3 ड्रॉप सीधे जबान पर रेगुलर कंटिन्यू कुछ दिन आपको सेवन करना है और आप देखेंगे आपकी जो डैंड्रफ की समस्या थी उसमें आपको काफी आराम मिल जाएगा। और ऑयलिंग करना, जैसे शैम्पू जरूरत है वैसे ऑयलिंग भी जरूरत है कि नेचुरली जो हमारे बाल ड्राई हो रहे हैं ठंडी हवा के कारण, इसलिए तीसरे दिन या हर दूसरे दिन आप चाहें तो ऑयल यूज कर सकते हैं। जर्मन कंपनी का हेयर ग्रोथ ऑयल है दोस्तों, मैं स्क्रीन पर एक फोटो शेयर कर दूंगा, इसे यूज करें। और आप चाहें तो समय समय पर अर्निका मॉन्टेना का मदर टिंचर और जाबोरांडी का मदर टिंचर एक वायल में मिक्स कर लें, इसे आप सीधे अपनी रूट्स पर ड्राई एकदम डायरेक्ट रूट्स पर अप्लाई करेंगे 30-40 बूंद लगभग पूरा एरिया कवर करते हुए, और चंपी करना है आपको, अर्निका और जाबोरांडी का मदर टिंचर इक्वल मात्रा में मिक्स करिए और सीधे रूट पर अप्लाई करिए। आप चाहें तो अल्टरनेट डे पर इसे कर सकते हैं। तो बालों की केयर करना दोस्तों ज्यादा बहुत जरूरी है, तो अगर डैंड्रफ की समस्या नहीं होगी तो हेयर फॉल की समस्या ऑटोमेटिक काफी कम हो जाएगी। हेयर फॉल वाले पेशेंट्स के लिए स्पेशली दोस्तों ये जो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन चर्चा की, अर्निका और जाबोरांडी का मदर टिंचर डायरेक्ट लगाए और ये जो हेयर ग्रोथ ऑयल है इसका यूज करके देखें, डैंड्रफ के लिए कैल्केरिया सल्फ और कैली सल्फ, अपने अलग अलग लक्षणों के अनुसार आप इसे यूज करें। मैक्सिमम केस में आप देखेंगे आपके डैंड्रफ और हेयर फॉल की समस्या सर्दी हो या गर्मी या बरसात आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा। वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी लेना है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।